वना देवी क्षेत्र के रघुवीरपुरी सराय लपरिया में देर रात दो पक्षों के बीच प्रभुत्व वाली नीलकंठेश्वर महादेव बगीची और धर्मशाला पर बाउंड्री वॉल के निर्माण को लेकर एक ही समुदाय के लोग दो सियासी खेमे में बट गए, जिसके कारण तनाव बढ़ा और जमकर हंगामा हुआ। वहीं निर्माण रुकवाने वाले पक्ष के समर्थन में आई आप नेता मोनिका थापर को विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में देर रात भाजपा नेता निर्माण के समर्थन में पहुंच गए और नुकझुक के बाद निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। देर रात तक पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे और निर्माण जारी रहा। वहीं इस मामले में विवाद हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। बता दें कि अंग्रेजी शासन काल में स्थापित इस बगीचे में मंदिर और धर्मशाला भी है। इस पर आधिपत्य को लेकर एक ही समाज के दो पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास जारी है, वहीं बाकी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे निर्माण को लेकर के कुछ विवाद था। एक बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी, अभी रात में बनवाए जाने को लेकर के उस पर कुछ लोगों को आपत्ति थी। तो ये कहा गया है कि मैं पक्ष लोग एसडीएम साहब पोल के सामने अपना पक्ष रखें, जो सही हो वो बनाए। देखिए, ये बासन समाज की जगह है और इस जगह पर आज जब निर्माण कार्य हो रहा था, संशोधन कुछ वैश्य समाज की जगह है, कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ पर इस निर्माण कार्य को रुकवाया, और रुकवाया नहीं, बड़ा यहाँ पर उपद्रव किया। पुलिस कर्मियों से भी उल्टी सीधी भाषा में बात की, समाज के लोगों से उल्टी सीधी भाषा में बात की। हमने यहाँ आकर पुलिस से कहा कि हमारे पास सारे कागज़ मौजूद हैं,